गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। हैप्पी दिवाली आप सबको। आज है लक्ष्मी पूजन। सो आप लोगों को जैसे पता है सुबह सुबह जल्दी उठ के आए पहली आंगोल, तो उठना और ये नारियल का दूध जो होता है ना वो लगाना होता है। सो यहाँ पे सबका टर्न बाय टर्न हो गया, दीप्ति का, सुशांत का हो गया, अभी मैं बैठी हूँ, अभी मम्मी मुझे लगा रही है। तो सबसे पहले मम्मी जो नारियल का दूध हम लोग निकालते हैं ना, उसमें जो ज़रा सा हल्दी मिक्स करते तो वो पहले मम्मी सब अच्छे से पूरे बाल में लगा के देती है, और उसके बाद जो उटना होता है उसमें भी थोड़ा सा नारियल का दूध मिक्स करके, ज़रा सा हल्दी पाउडर मिक्स करके, फिर फेस पे, हाथ पे, पैर पे ऐसे लगाया जाता है, एंड देन यू गो फॉर योर बाथ। वैसे वो पूरा दिवाली का दिन स्टार्ट होता है। पहले तो लोग 4 बजे 5 बजे इतना जल्दी उठा करते थे, हम लोग भी उठते थे, बट अभी वो हॉस्पिटल का सब चल रहा है, इस वजह से जैसा जिसको पॉसिबल हुआ सब उस हिसाब से एक एक करके उठते गए और अपना अपना टर्न बाय टर्न बैठ गया। अभी तक सानू सोई है, मेरा हो जाएगा, उसके बाद मम्मी जाएगी नहाने के लिए, उसके बाद मैं आराम से सानू को उठाऊंगी, क्योंकि वो एक बार उठ जाएगी ना उसके बाद सोती नहीं है, तो बोले थोड़ा सा उसको और सोने दो, उसके बाद मैं उसको उठाती हूँ। और सुबह जल्दी उठ के पूरे घर में वापस दिया लगाना होता है, किचन में दिया लगाना होता है, तो मम्मी ने वो सब दिया रेडी करके लगा लिया था, दरवाजे पे 2, भगवान के पास 1, मंदिर में 1, और बालकनी में 1-1 करके ऐसा सब जगह दिया लगाते हैं। मतलब सुबह सुबह ही दिया लगा के पूरे घर को वो बोलते ना रोशनी करना होता है, दैट इज़ बेसिकली दिवाली। सो यहाँ पे अभी मेरा हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं नहा कर आऊँगी, देन आई विल अप्लाई टू मॉम। और हम लोग का लक्ष्मी पूजन का सब तैयारी करके हो गया है, सो नाउ वी हैव स्टार्टेड विद द पूजा। सो पहले मम्मी जो लक्ष्मी जी की मूर्ति है, चांदी की मूर्ति, उसको अच्छे से अभिषेक करके एंड उसके बाद हम लोग करेंगे पूजा। और सानू कितनी क्यूट लग रही है ये ड्रेस में, शी इज रियली लुकिंग वेरी प्रिटी। एंड आई एम रेडी इन दिस ब्यूटिफुल साड़ी। इसका कलर भी बहुत सुंदर है, मटीरियल भी बहुत सॉफ्ट है, सिंपल एलिगेंट डिसेंट साड़ी, एंड सिंपल तरीके से हम लोग रेडी हो गए, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द पूजा। सो आई एम बैक होम। मैं कुछ 9:30-9:30 बजे के आसपास गई हॉस्पिटल, डैडी के लिए खाना लेके गई, एकदम पतला पेज, क्योंकि उनको खाया नहीं, चबाया नहीं जा रहा है। और फिर सुशांत घर पे आया, उसने डिनर किया, उसके बाद नाउ ही इज़ इन द हॉस्पिटल। 12 बजने को सिर्फ 5 मिनट बचा है। तो अभी रात को 3 बजे के आसपास निशु आएंगे, तभी सुशांत घर पे आ जाएगा सोने के लिए, और फिर 3 से 6 बजे तक निशु बैठेंगे, फिर 6 बजे या 7 बजे सुशांत वापस उठ के फ्रेश होके नाश्ता करके वगैरह
फिर निकलेगा आई थिंक 7-8 बजे के आसपास, जैसे भी वो लोग का दोनों का कोऑर्डिनेशन होगा वैसे। सो आई एम जस्ट बैक होम, अभी मैं फ्रेश हो जाती हूँ, चेंज करती हूँ। ये साड़ी इतना हल्का और लाइट वेटेड है ना, इसलिए मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे चेंज करके दूसरा कुछ पहन के जाना चाहिए। अगर कोई मुझे इस टाइप का ब्लाउज, मतलब प्लेन ब्लाउज जिसको बिल्कुल भी जरी वर्क नहीं, और ऐसा साड़ी देना तो मैं तो रोज़ भी पहन सकूँ, इतना मुझे हल्का और अच्छा फील हो रहा था। एंड थोड़ा फेस्टिवल है बोल के मैंने ज़्यादा कुछ हैवी साड़ी नहीं पहना, ये वाला ही पहन लिया। और एकदम सिंपल तरीके में हम लोग ने लक्ष्मी पूजन किया, इसलिए मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई। यस, डैडी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन उनको बहुत वीकनेस हो गया है तो ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहे वो, तो इसके लिए इतना कुछ ऐसा था नहीं कि बहुत कुछ ऐसा करें, इसलिए हम लोग ने सिंपल जितना हो सके उतने तरीके में लक्ष्मी पूजन सेलिब्रेट किया। आई होप आप लोग का भी आज का दिन बहुत अच्छे से गया होगा। आप सबको हैप्पी दिवाली हम सब के तरफ से। एंड सो अभी आई जस्ट गो चेंज, वॉश माई फेस और थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ, उसके बाद सो जाऊँगी क्योंकि कल का दिन भी है। वापस अगेन हैव टू गेट अप एंड स्टार्ट माई डे। और मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में। एंड जितना मेरे से पॉसिबल था उतना मैंने सिंपल छोटा तरीके में शूट करने का कोशिश किया, क्योंकि एकदम भी बोलते ना प्रॉपर शूट करने भी नहीं हो पा रहा था, और ऐसा भी नहीं था कि नहीं भी शूट करूँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जो मुझे जितना पॉसिबल लगा कि हाँ चलो इतना तो मैं दिखाई दूँ, इतना ही शूट कर लूँ थोड़ा बहुत, तो वो क्योंकि वैसा बोलते ना व्लॉग करने का मूड भी नहीं है। एक तो मैं आप लोगों को डैडी से भी नहीं मिला सकती, उनका कंडीशन भी वैसा नहीं है कि आई कैन शूट एंड शेयर विथ यू ऑल। एंड वैसे भी डैडी को भी ज़्यादा व्लॉग में आना पसंद भी नहीं है। अगर मेरा केस होता तो ऑब्वियसली मैं निशु को बोलती थी शूट कर लो, बट किसी और के लिए आई कैंट फोर्स देम। तो आप लोगों से मैं इतना बता सकती हूँ दैट ही इज़ फाइन, थोड़ा सा उनको वीकनेस है, एक दो दिन में वो घर आ जाएंगे। अभी जस्ट उनको ICU से शिफ्ट किया शाम को, इसमें नॉर्मल जनरल वार्ड में लाया, बट डैडी को हम लोग ने इसमें रखा है, स्पेशल वार्ड में रखा है, और AC वगैरह है तो ऐसा ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। और सुशांत इज़ टेकिंग केयर ऑफ हिम, तो जैसे जैसे जिसको जम रहा है वैसे वैसे वो लोग टर्न बाय टर्न हॉस्पिटल जा रहे, सब प्रॉपर रूटीन सेट कर रहे। सो बज गया 12, आई जस्ट गो चेंज माई सेल्फ, ईट समथिंग एंड गो टू स्लीप। सामने और मम्मी बाहर बैठे हॉल में मेरा वेट कर रहे थे, TV देख रहे थे। दीप्ति गई है सोने के लिए क्योंकि कल उसको ऑफिस जाना है, 12 बज गया ऑब्वियसली, और वो कितना देर बैठेगी। तो इसके लिए आई होप आप लोग को आज का सिंपल ब्लॉग पसंद आया होगा। एन्जॉय योर दिवाली विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते, पता नहीं कब अभी नेक्स्ट ब्लॉग कब शूट होगा, लेट्स सी पाड़वा को शूट करूँगी तो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, अच्छे से दिवाली एन्जॉय कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा, गुड नाइट, टेक केयर एंड सी यू।